अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है तकरीबन दिन के हो रहे हैं 10:15, साढ़े 10, ठीक है। तो क्या है, उठते ही मैंने चाय पी ली थी। और नहीं, सबसे पहले जो है जमल को रेडी किया था। जमल को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। और जो है फिर उसका लंच बनाया, सॉरी सुबह उठते ही लंच बनाया। उसके बाद जो है फिर उसको रेडी किया, फिर उसे स्कूल छोड़कर आ गई। और अभी जो है मैं बैठी थी, सो चाय पी रही थी। एंड मैंने कहा कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उसके अलावा दिन की रूटीन जो भी होगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और जो है थोड़ा बहुत जो है काफ़ी अपने सोच रही हूँ, अपने कपड़े जो है ड्रेसिंग वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। जो है मेरी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पर कि ये जो ड्रेस आपने ली थी, ये काफ़ी लोगों को मेरी ड्रेस पसंद आई थी, ठीक है। तो सब ने मुझे कहा था कि आपने ये ड्रेस जो लिया है कहाँ से लिया है। अच्छा, ये ड्रेस जो है मेरा काफ़ी पुराना है। और जो है ये मैंने कपड़े जो लिए थे रंगजा से लिए थे। और रंगजा जो है बहुत ही अच्छी, वहाँ पे उनकी ड्रेसिंग होती है, बहुत कलरफुल, माशाल्लाह बहुत ही उनका ब्रांड बहुत प्यारा होता है। सो मतलब मुझे जो है ना उस तरह के कपड़े जिस तरह के पसंद है तो वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ से मैं ज़्यादा लेती थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसकी ये डोरी भी लगी हुई थी, सो एक तो टूट गई है, दूसरे ये है। अच्छा, और ऊपर से पता है क्या, ये लॉन्ग शर्ट है। आपको मैं भी दिखाती हूँ इसका लुक। अच्छा, सुबह तो जमल को स्कूल छोड़कर आ गई थी, सो अभी चलते हैं और जमल को स्कूल से मैं पिक कर लूँ। और काफ़ी टाइम हो गया है, सो 12 तो 12:15 हो गए, 12 बजे उनकी छुट्टी होती है। वेल, सो चलते हैं। और ईमान भी उठ गई है, उसके कपड़े चेंज करवा लिए थे, बाकी जो है बस चले। यहाँ से फ्यूल भरवाया। अच्छा, ये सब हमने पेट्रोल पंप पे यहाँ से फ्यूल भरवाया और यहाँ घर जाऊँगी। और इसके सामने जो है मैं ये गन्ने का जूस पी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है देखते होंगे और रास्ता है भी, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बस जमल जैसे जूस फिनिश करेगी उसके बाद हम लोग जो है घर जाएंगे। और घर जाकर थोड़ा रिलैक्स होंगे और शायद अगर सिस्टर ने चाय बनाई होगी तो फिर वो भी हम साथ में पीते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये होता है फिर डस्टिंग वगैरह वो चीज़ भी कर देते हैं सुबह जो है ना जमल को लेने से पहले ना घर की पूरी डस्टिंग कर देते हैं। और इसी के बाद जो है, अच्छा सुबह दो एक जो है जमल के लिए वो भी मैंने बॉयल होने के लिए यहाँ रख लिए थे, क्योंकि सुबह जल्दी में ऐसे जाना होता है इसीलिए। तो फिर मैं नाश्ता बना देती हूँ, इसका ब्रेकफास्ट जो होता है मैं इसको देती हूँ उसके साथ। सो इसीलिए आते ही फिर जमल जो है उसको फिर फ्रेश भी करवाना होता है। अभी ईमान को बुखार है और जमल को भी, दोनों को सिरप पिला दिया और ईमान को सिरेलक भी खिला दी। जमल
क्या कर रही है? बैठे? हाँ, तो ये जो है स्टडी कर रही है, और ये छोटी वाली मैडम जो है मेरी गोदी में है, इसको भी बहुत ज़ोरों का बुखार हो गया है। और आप लोग भी ख्याल करें बच्चों का, ठीक है? मैं भी कर रही हूँ, लेकिन देखें इतनी केयर होने के बाद भी जो है ना, फिर भी मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। बस पता नहीं इस तरह का सीजन आए तो बाहर चलते हैं। ये देखें, हर चीज़ क्लीन होती है, फिर भी जो है ना, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अच्छा, लाइट ऑफ है ना, आपको सही नज़र नहीं आएगा। कैसे दिखाऊं? अच्छा, मेरा किचन भी देखो क्लीन करके जाती है। माशाल्लाह, देखो मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन होता है। सो बस दुआ करें। और अभी जो है, हाँ मतलब ये भी नेट भी लेकर आई हूँ ईमान को सुलाने के लिए, ताकि मैंने कहा शायद मैं भी, यहाँ तो कुछ बच्ची है ना, तो इसका डर लग रहा था मुझे। और फौरन देखो आज इसे फीवर हो गया। मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। यहाँ पे जो है मैं डिनर बना रही हूँ रात का, और जल्दी से मुझे काम भी करना है। सबके लिए डिनर रेडी करने के बाद जो है फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। जैसे तो फिर मैं बच्चों के पास चली जाती हूँ, उनको देखना होता है। फिर आप के साथ मैं मिलूंगी। सो जो है, जी 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 हाँ, तो मैं इस जमल का रायता भी दिखाती हूँ आपको। हटो। अभी जो है बिल्कुल मैं फ्री होकर आ गई हूँ अपने रूम में, और आप लोगों के साथ मुझे अपनी ड्रेसिंग शेयर करनी थी। अच्छा, इसके अलावा ये होगा कि ईमान अभी तक जाग रही है। क्या है कि बाकी सब जो है अपने रूम में है, और मैं इस वाले रूम में आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना कलेक्शन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जो है फर्स्ट ऑल मैं आपको अपनी ये वाला कलेक्शन जो है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कलर है ना वो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। अच्छा हूँ, ये इसका दुपट्टा जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है। एंड अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। मैं इस तरह से आप लोगों के साथ ड्रेस ये शेयर करती हूँ। फुल जो है मैं आपको पहन कर ये शेयर कर रही हूँ। इसीलिए अच्छा, ये इसका दामन है एंड ये बैक है, और यहाँ से जो है ना वेलवेट में है, ठीक है? तो मैंने कहा ना, आप ये पार्टी में भी पहन सकते हैं, बर्थडे में भी पहन सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप शादी में जाना चाह रहे हैं, जिस तरह से काफ़ी लोगों का जो है ना फेवरेट कलर होता है ब्लैक,
इसी तरह से ये भी पहन सकती हूँ। अच्छा तो मैं अभी ये शर्ट जो है मैं ये भी आपको सूट पहन के दिखाती हूँ, और मुझे लाजमी बताइएगा कि ये ड्रेस जो है आप मुझे मुझ पर किस तरह से सूट कर रही है या नहीं। सो आई हूँ तो मैं आपको किसान शेयर करती हूँ। तो जी ये रही मेरी सेकंड ड्रेस, और ये जो है ये भी झारझट दुपट्टा है, और इस पर मैंने पिको ये खुद करवाया था, एंड ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने ये पहन मतलब ड्रेस ये जब ली थी। अच्छा इसका पता है क्या है, शेफ सिल्क कहते हैं आई थिंक इसको, सिल्क कहते हैं हाँ सिल्क। सो ये सॉफ्ट वाली सिल्क इसकी ट्राउज़र है एंड अस्तर भी है। सो ये दुपट्टा आप देख सकते हैं, इस पर मैंने इस तरह से काम कराया है, ये देख सकते हैं। तो ये भी प्लेन में है, आगे से बहुत प्यारा काम किया हुआ है, ये इसकी स्लीव्स हैं ये देख सकते हैं। अच्छा आए तो अभी इसको ट्राई करते हैं और आप मुझे बताते जाइएगा कि ये मेरे कलेक्शन जो है आप लोगों को किस तरह से लग रहा है। अच्छा ये पार्टी में भी पहन सकते हैं, शादी में भी पहन सकते हैं, मेहंदी में भी पहन सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप किस पे किस मतलब जो है ना डेज पे पहनना चाह रहे हैं, किस मतलब किस तरह के आपकी जहाँ दिल करे ये आप पहनते हैं। तो ये रही मेरी ड्रेस, और आप लोग लाजमी बताइएगा कि ये मेरी जो ड्रेस है आप सबको साथ ये ड्रेस शेयर की है। अब मैं आपके साथ चलती हूँ दूसरी ड्रेस सेट करने। सो प्लीज़ आप लाजमी बताइएगा कि वो वाला सूट मुझ पर सूट कर रहा था या ये। आए तो फिर अभी दूसरी ड्रेस चेंज करें। तो जी ये मेरा सेकंड ड्रेस है, एंड ये जो है तो ऑरेंज एंड ब्लैक में दोनों इनमें कलर्स कम्युनिकेशन है, कंट्रास्ट है। सो माशाल्लाह इस पर भी बहुत ही अच्छे मतलब इस पर कढ़ाई की हुई है, और उस पर भी एंड बहुत दोनों डिसेंट अपनी जगह थे। वो लॉन्ग शर्ट थी और ये मैक्सी टाइप है। सो दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ऊपर से वेलवेट में लगा हुआ है इस पर, नीचे से पूरी शर्ट जो है झारझट थी। माशाल्लाह दोनों की अपनी जगह बहुत ही प्यारे कलेक्शन थे, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग जो है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो मेरी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।